हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जय श्री राम। आज हम जाने वाले मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट किसने बनाया था, क्यों बनाया, किस पहाड़ी के ऊपर बनाया था, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो चलते हैं सीधा मेहरानगढ़ फोर्ट। कुछ घंटों के सफर में छोटी बड़ी गलियों से होते हुए हमें आखिरी में दिखने लगता है मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ की पार्किंग में मैंने अपनी बाइक पार्क की और निकल जाता हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ। पोल से एंटर होते ही आपको टिकट खिड़की दिख जाएगी, जहाँ आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी, जिसकी कीमत 200 रुपए है। टिकट खरीदने के बाद मैं कुछ आगे चलता हूँ, जहाँ मुझे शहीद भूरे खां की मजार दिखाई देती है, जिसने बीकानेर और जयपुर की सेनाओं से मेहरानगढ़ किले की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। शहीद भूरे खां की मजार को देखने के बाद हमने मेहरानगढ़ किले के बारे में गूगल पर सर्च किया, जहाँ हमें ये पता चला कि मेहरानगढ़ किले की नींव राव जोधा ने 1459 में माता करणी के हाथों से रखवाई थी। काफी देर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं मेहरानगढ़ के म्यूजियम के पास, जहां एक छोटे से बाजार से होते हुए हम पहुंच जाते हैं मेहरानगढ़ म्यूजियम के अंदर, जहां जोधपुर के परजे टेम के महाराजा गज सिंह का बचपन में राज तिलक किया गया था। म्यूजियम की बाहर की सुंदरता को देखने के बाद हम पहुंच जाते हैं म्यूजियम के अंदर, जहां हमें हाथी के गुदे दिखाई दिए, जिसे हाथी के ऊपर बांध कर उसके में बैठकर सवारी की जाती थी। खुले सिंहासन राजाओं के लिए बनाए गए थे और चारों तरफ से बंद सिंहासन रानियों के लिए बनाए गए थे। हाथी के औदों को देखने के बाद हम पहुंच जाते हैं शस्त्रागार में, जहां मारवाड़ के राजाओं के शस्त्र रखे गए हैं और यहां पे पूरी डिटेल में ये भी बताया गया है कि कौन सा शस्त्र किस राजा का है। शस्त्रागार से बाहर निकलते ही हम पहुंच जाते हैं मेहरानगढ़ के सबसे ऊपर वाली जगह पर, जहां से ब्लू सिटी कहे जाने वाले शहर जोधपुर का नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। पूरा मेहरानगढ़ घूमने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं चामुंडा माता जी के मंदिर में, जिसे राव जोधा द्वारा ही बनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण किले के सबसे पीछे वाले हिस्से में और सबसे ऊपर वाली जगह पर बनाया गया है।